नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। विजय व्यूज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होते हैं उनमें जो स्कैम्स जो होते हैं उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं सोशल मीडिया स्कैम करके मैं नहीं बता रहा हूँ, जो सर्विसेज हम उसमें यूज़ करते हैं उनमें स्कैम्स हो सकते हैं। मान लेते हैं कि ट्विटर पे अगर HDFC का ट्विटर हैंडल है, अक्सर हम जो भी रिफंड जो नहीं आता है, जो भी कंपनी ने कमिट किया होगा वो नहीं आया, तो बैंक के ट्विटर हैंडल पे जाके हम कंप्लेंट करते हैं। या आपको क्रेडिट कार्ड पेमेंट में कुछ दिक्कत है, तभी हम जाके वो बैंक का ट्विटर हैंडल पे जाके करता है। फेसबुक है कि बहुत कम लोग कंप्लेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग ट्विटर यूज़ करते हैं, मगर दोनों प्लेटफॉर्म में कंप्लेंट आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम बहुत ही लो परसेंटेज लोग कंप्लेंट के लिए यूज़ करते हैं। आप जब भी ट्विटर पे जाके या फेसबुक पे जाके उनका जो हैंडल्स होता है उसमें आप कंप्लेंट रेज करने के टाइम आप को बहुत सारे लोग देख सकते हैं। आपका अकाउंट नंबर, आप स्क्रीनशॉट जो शेयर करेंगे वो तो आप ब्लरी नहीं करते हैं, पूरा अकाउंट नंबर दिखता है, जो अमाउंट डेबिट हुआ है, जो ट्रांजैक्शन का ऊपर नीचे जो डिटेल्स है पूरा दिखता है। ये स्कैमर्स के लिए इजी हो जाता है दोस्तों। जब एक स्कैमर आपको कॉल करता है, वो विद इन आप 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में आपको कॉल बैक कर देता है आप कंप्लेंट रेज करने के बाद। मगर जो एक्चुअल कंपनी जो होती है, जो बैंक जो होती है, उनको टाइम लगता है, क्योंकि ये सब मैनुअल प्रोसेस है, ऑटोमेटेड नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव को वो एनालाइज करके रिप्लाई करने के लिए टाइम लगता है। तब तक जो स्कैमर्स होते हैं उनका काम कर चुके होते हैं, आपके बैंक अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो गया होगा। मेरे साथ भी ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ था। मैं अभी स्क्रीन पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। एक अमाउंट के प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मैंने ट्विटर हैंडल पे जाके जो HDFC का बैंक है उधर कंप्लेंट मैंने रेज किया था, पूरा डिटेल्स डाल के। मगर जो रिप्लाई आया था वो स्कैमर के तरफ से आया था, और जो मुझे रिफंड का जो अमाउंट आना चाहिए था वो 5000 के आसपास था, और जो रिफंड फॉर्म जो भेजा गया था वो HDFC नाम के साथ भेजा गया था। जो बड़े जो स्कैमर्स होते हैं उनके पास इतना टेक्नोलॉजी होता है कि सेम उसी तरीके का कॉपी करके आपको ये कर सकता है। अगर आप HDFC से रिफंड लेना चाहते हैं तो वो जो रिफंड जो शीट होती है या जो गूगल फॉर्म उन लोग भेजते हैं उसमें क्लियरली आपको HDFC लिखा रहता है, क्योंकि आप जब रिफंड लेते हो वो पूरा आप चेक करते हो ये बैंक की तरफ से है या नहीं है करके। मगर स्कैमर्स आके बहुत इंटेलिजेंट होते हैं दोस्तों, उनका पूरा इन्फॉर्मेशन सही होता है। जो मेरे साथ हुआ था वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको बैंक और स्कैमर का जो फॉर्म जो होता है वो सेम टू सेम रहता है, फिर आप तो ये सच मान के ही आप ये करेंगे। मगर जब फॉर्म आप सबमिट करेंगे विद इन अ सेकेंड आपका अमाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये सब स्कैमर्स करते हैं, बैंक के तरफ से नहीं होता है। जो आपका बैंक का जो रिप्लाई आता है वो 1 आवर के बाद या 1 डे के बाद रिप्लाई आएगा, जो प्रॉब्लम जो है उसके बारे में इंक्वायर करने के लिए। तो जब भी आप ऑनलाइन पे जो भी प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, डायरेक्ट जो हैंडल्स होते हैं जो बैंक का जो भी इशू आप लेकर जाते हैं उनका प्राइवेट चैट में जाके चैट कीजिए, ताकि कोई भी ना देख पाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा।
अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे। और भी वीडियोस आके आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। ज़रूर सपोर्ट कीजिए दोस्तों। अभी मैं फुल टाइम यूट्यूब का वीडियोस में बनाता हूँ और ट्राई करता हूँ कि अलग वीडियोस बनाने के लिए। मैं आपको अगले वीडियो पे मिलता हूँ। सेफ रहिए, हैंड वॉश रेगुलरली कीजिए और मास्क सही ढंग से पहनिए। थैंक यू।